हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। मैं हूं खड़ू। अगर आप देख रहे हैं जीडीएस की पोस्ट, दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जीडीएस टू पीए जो एग्ज़ाम है वो उसका नोटिफिकेशन बहुत सारे सर्कल में आ गया है। जैसे कि बिहार हो, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है पहली आया है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 मई को एग्ज़ाम होगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया गया है। बहुत सारे सर्कल ऐसे हैं जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द जो इसका नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगा। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कर्नाटक का जो सर्कल है, उस सर्कल का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन था उसका उस एग्ज़ाम को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है टिल फर्दर नोटिफिकेशन। तो ये आपको आपको जानना चाहिए। तो हम जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है जो आपको यहाँ पे देखना होगा, और कुछ क्वेश्चंस मुझे आई है, और जो है बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर वीडियो बनाइए जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर एग्ज़ाम डेट का अगर बात करें तो 16 मई को एग्ज़ाम होगा। आपका एलिजिबिलिटी जो एज है जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम देने के लिए, आपका जो एज होना चाहिए वो 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है एज का, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से है, उसका शायद स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, इस तरह का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर सर्विस कंडीशन का बात करें, मतलब कि अगर आपको जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम देना है तो आपको कितना ईयर्स, मतलब कितने साल तक जो है जीडीएस में एग्ज़ाम काम करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ी क्वेश्चन है जीडीएस के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको कंटिन्यूस जो है 5 साल का सर्विस आपको अपना जॉब में, मतलब कि अपने पोस्ट में करना होगा, और उसके बाद ही जो है आप इस पोस्ट के लिए, मतलब जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें, अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपको जो है 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी पास जो है होना चाहिए अपने अपना कंसर्न जो एडुकेशनल बोर्ड है उससे, ताकि आप इस एग्ज़ाम को दे सकें। यहाँ पे दो तरह का पेपर होंगे, एक है पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे दोस्तों रिवाइज एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया जीडीएस टू पी एग्ज़ाम के लिए निकल के आया है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत पुराना साल का है, जैसे कि 15, 16, 17, 18, 19 का जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के अगेंस्ट जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस है उसी के हिसाब से आपका जो है एग्ज़ाम देने का। यहाँ पे जो पेपर 1 होंगे, उस पेपर 1 में 100 नंबर का जो है क्वेश्चन होंगे 4 सेट, जो कि पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में डिवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा, जनरल नॉलेज मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, और जो है आपको अपना रीजनल जो लैंग्वेज है उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। और हर सेट में 25-25 करके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसका नंबर, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 100 नंबर। और यहाँ पे जो पेपर 2 होंगे, उस पेपर 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जहाँ पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं तो आपको 450 का मतलब वर्ड टाइप करने होंगे 1 घंटे में, और अगर हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो आपको देना होगा यहाँ पे 375 वर्ड जो है 1 घंटे में टाइप करना आपको स्पीड आना होंगे। तो ये तो कुछ बातें यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट में जो मैंने बताया है। और यहाँ पे इस एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफिकेशन मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, उस क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर बात करें तो यहाँ पे सभी के लिए 40% जो है, आप अगर आपको पास करना है तो 40% मार्क्स आपको आपको लाना होगा एग्ज़ाम में। और जो अदर कास्ट है, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, या अदर कास्ट के लिए जो है 33% मार्क्स आपको लाना ही होगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम में पास कर सकें। दोस्तों पास करने के बाद इसके जो मेरिट, जिसका मेरिट ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन पहले होंगे, लेकिन पास करने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी सर्कल में कोई सरप्लस कैंडिडेट रह जाते हैं, मतलब कि कोई पोस्ट वैकेंट रह जाते हैं, मतलब कि इस एग्ज़ाम से वो फिलअप नहीं होते, तो जो है आपका चांस बनते हैं वहाँ पे आपको लेने का। तो पास करना जरूरी है, अगर आप मेरिट में नहीं आते हैं तो भी आपको चांस रह जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो कि जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम के लिए मुझे कहना था, जो मैंने कह दिया। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और हाँ, इसी तरह नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए आप जो है हमारा जीडीएस ई पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जो है जीडीएस ई पोस्ट में ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।